एक ही लफ्ज़ के इर्द गिर्द काम किया है अपनी पूरी ज़िंदगी में, और वो उस लफ्ज़ को मैं अपनी कम्युनिटी के साथ जोड़ता हूँ, वो लफ्ज़ है लफ्ज़ गुज्जर। मेरा नाम डॉक्टर जावेद राही है। मेरा असली वतन जो है, अपना इलाका जो है, वो पुंछ है, और मैं चंडक गांव का रहने वाला हूँ। 1970 सितंबर पहली की मेरी पैदाइश है, और मैंने जो अपनी इब्तदाई तालीम है 5वीं तक, वो एक मदरसा इशातुल उलूम था, उसमें हासिल की। उसके बाद मैं हायर सेकेंडरी चंडक से जो है 12th तक पढ़ा। उसके बाद मैं डिग्री कॉलेज पुंछ से मैंने बीए की, जम्मू यूनिवर्सिटी से मैंने एमए की, पीएचडी की। मैं जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस में 94 में रिसर्च असिस्टेंट तैनात हुआ। 2004 में मैं एडिटर कम कल्चरल अफसर बन गया। 2009 में मैं चीफ एडिटर बन गया। गुजरी सेक्शन के लिए मैंने काम किया है। मैंने बुनियादी तौर पर एक ही लफ्ज़ के इर्द गिर्द काम किया है अपनी पूरी ज़िंदगी में, और वो उस लफ्ज़ को मैं अपनी कम्युनिटी के साथ जोड़ता हूँ, वो लफ्ज़ है लफ्ज़ गुज्जर। गुज्जर लोग कौन हैं, वो कहाँ से आए हैं, उनकी ज़ुबान क्या है, उनकी आइडेंटिटी क्या है, उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, वो उनके मसाइल क्या हैं, वो क्या ढूँढ रहे हैं, वो उनका क्या ज़िंदगी का लाइफस्टाइल है, गुज्जर बकरवाल में क्या फ़र्क है। इस तरह से जो भी मेरा काम है, वो सारे का सारा अगर एक लफ्ज़ में समोया जाए तो वो लफ्ज़ गुज्जर आएगा, जिसके इर्द गिर्द के मेरी ज़िंदगी के जो पिछले साल हैं, वो सारे के सारे गुजरे हैं। और इसके अलावा कोई और किसी और दश्त की सयाही नहीं की। अगर कोई प्रोग्राम किया तो वो भी गुजरी के लिए किया। अगर कोई डिक्शनरी बनाई तो गुजरी लैंग्वेज में बनाई। अगर कोई आर्टिकल लिखा तो गुजरों पे लिखा। अगर किसी का इंटरव्यू किया तो गुजरों के बारे में किया। अगर किसी मतलब इतने पूरे हिंदुस्तान में लोग गुजरों पे पीएचडी कर रहे हैं, ट्राइबल पे काम कर रहे हैं, तो वो मतलब मेरे पास पहुंचते हैं, और जो मदद हो सकती है मुझसे मैं करता हूँ। तो ये है कि पूरी ज़िंदगी का जो सिलसिला था वो गुजरों के आसपास ही गुजरा है। पीएचडी मैंने की है, ट्राइबल लैंग्वेजेस का उर्दू के साथ क्या नाता है, क्या रिश्ता है, उसमें मैंने कंपैरिजन ड्रा किया है लद्दाखी, बल्ती, शीना, पुर्गी, गद्दी, गद्दियों की बोली है अपनी, बरमोरी या गद्दी बोली जिसको बोलते हैं, और गोजरी। तो ज़्यादातर मैंने गोजरी पे काम किया है, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी ट्राइबल लैंग्वेजेज हैं, छोटी लैंग्वेजेज, माइनर लैंग्वेजेज हैं, उन पे भी छोटा मोटा काम किया है। लेकिन अगर आप पूरा ज़िंदगी का मेरी का आता करेंगे तो जो छोटा मोटा काम किया है उसमें से 98% गुजरों के बारे में है, गुजरी ज़ुबान के बारे में, गुजर आइडेंटिटी के बारे में है। और मेरी किताबों की अगर आप सिलसिला जानना चाहें तो मैं बताना चाहता हूं कि पहली हिंदी गोजरी डिक्शनरी मैंने दी बना के, पहली कंसाइज गोजरी गोजरी डिक्शनरी जिसमें 70,000 लफ्ज़ हैं उसके मानी हैं, वो मैंने बनाई है। पहला इंसाइक्लोपीडिया गोजरी ज़ुबान का मैंने लिखा है। उसके बाद फोक लोर के ऊपर काफ़ी काम किया है। 500 के करीब लोकगीत जो सिलेक्टेड हैं वो इकट्ठे किए हैं और छापे हैं। लोक कहानियाँ 300 जो गुजरों में प्रचलित हैं उनको इकट्ठा करके छापा है। और उसके अलावा कोई 350 किताबें जो हैं वो मैंने एडिट की हैं, कंपाइल की हैं, या उनके ऊपर काम किया है, जिसमें ट्रांसलेशन मेरे जो हेडशिप में हुई है, जो मैगज़ीन मेरे हेडशिप में निकले हैं, जो किताबें मेरी निगरानी में निकली हैं, या मैं जिनमें मैं एडिटर था या किसी न किसी तरह से कंपाइलर था। तो इस सिलसिले में मैं बताना चाहता हूँ कि काफ़ी मैगज़ीनें जो हैं वो गुजरी के अंदर, गुजरी को इनरीच करने के लिए। फिर मैं एक कन्वीनियर हूँ जो गुजरी के लिए स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में जो बनाया जा रहा है, 8वीं तक हमने बना लिया है कैरिकुलम जो कि स्कूलों में लगेगा, तो उसमें मैंने मेनली काम किया है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी जम्मू में जो गुजरी के लिए एमए में कोर्सेज शुरू हुए हैं, उसमें मैं जो है वो
उस कमेटी में हूँ और मैंने बना के दिए हैं उनको कोर्सेज जो एमए में लगते हैं, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में जो कोर्सेज लगते हैं गोजरी में वो मैंने बना के उनको दिए हैं। मैं उसका हेड हूँ टीम का जिसने वो कैरिकुलम जो है वो तरतीब दिया है। मेरा एक शो भी एक प्राइवेट टीवी चैनल से आता है, सैटेलाइट चैनल से, जो कि वीकली तौर पे आता है, और उसमें मैंने कोई 350 के करीब जो है इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए हैं, डॉक्यूमेंट्रियाँ बनाई हैं। उसके साथ साथ मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम जावेद राही है, उसमें लगभग 85,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हैं इस वक्त मेरे साथ, और बहुत सारे पेजेस जो हैं वो उन्होंने बहुत सारे लोगों ने मुझे डेडिकेट किए हुए हैं, या फिर मैं उनका एडमिन हूं जो गोजरी के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें 2-2 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं या उससे भी ज़्यादा कहीं सब्सक्राइबर हैं। तो उसके साथ साथ मेरा अपना मैं कोशिश करता हूँ कि हर हफ्ते अंग्रेज़ी अखबारों में गुजरों के बारे में जानकारी छपे, और गुजरों के डिफरेंट जो मतलब लाइफ है, कल्चर है, इश्यूज हैं, इन सब के ऊपर कुछ ना कुछ मैं लिखता रहता हूँ जो कि यहाँ के लोकल डेलीज़ में, नेशनल डेलीज़ में अपेयर होता रहता है इन शेप ऑफ आर्टिकल, या हम कहीं कोई एक ना एक मजलस हफ्ते में ज़रूर करते हैं जिसमें हम बैठ के गुजरों के किसी एक इशू के ऊपर डिस्कशन करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर लायामल करते हैं या आगे बढ़ते हैं। इसी तरह इस पूरी जो मूवमेंट चल रही है गुजर आइडेंटिटी की, उसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैंने काम किया है और छोटा मोटा जो काम किया है उसे पब्लिक ने सराहा है, लोग प्यार करते हैं, लोग मेरे शो को पसंद करते हैं जो यूट्यूब पे आता है, और पूरे वर्ल्ड से मुझे उसके लिए शाबाशी आती है, मुझे लोग पगड़ियाँ भेजते हैं, लोग बहुत सारी चीज़ें भेजते हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन सब का जो मेरे साथ जुड़े रहते हैं, और मैं समझता हूँ कि मैंने जो भी चीज़ें हाथ में ली अपनी कबीले को लेकर के, अपनी कम्युनिटी को लेकर के उसको आगे बढ़ाया। मेरे पास इस वक्त कलेक्शन है 2000 आर्टिफैक्ट्स की, जिसका कि मैं एक म्यूज़ियम बनाना चाहता हूँ। तमाम पुरानी चीज़ें जो गुजरों के साथ जुड़ी हुई हैं मैंने उनकी कलेक्शन की है, मैंने चांदी कलेक्ट किया है जो पुराने जेवर थे, मैंने गिल्ट कलेक्ट किया है, सोने के भी कुछ आइटम्स कलेक्ट किए हैं, उसके अलावा आर्ट्स क्राफ्ट्स के साथ जुड़ी हुई चीज़ें, हमारे पूरे जनजीवन के साथ जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो सारी कलेक्ट करके कोई 2000 से ज़्यादा चीज़ों का मेरे पास कलेक्शन है अपनी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो बहुत इंटरेस्टिंग हैं। उसके साथ साथ मेरे पास कलेक्शन है पेंटिंग्स की, मैं बहुत सारे कैंप करवाता रहता हूँ, पेंटर्स को बुलाता हूँ और गुजरों की लाइफस्टाइल को ब्रश के ज़रिए उन्होंने हाईलाइट किया, बड़े बड़े पेंटर इसमें आए हैं जिसमें अक्रॉस नेशन जो बड़े बड़े नाम हैं, जैसा गिल साहब हैं पंजाब के जो कि पोर्ट्रेट में माहिर हैं, उनको बुलाया, लैंडस्केप वालों को बुलाया, हर टाइप में जो भी चीज़ गुजरों के साथ जुड़ सकती है जहाँ से भी मैं जुड़ने की कोशिश करता हूँ, और उन तमाम तंजीमों के लिए जो गुजरों के लिए काम करती है उनके लिए फ्री काम करता हूँ। कोई किसी भी चैनल से, किसी भी जगह से, सिवाय जहाँ मैं अपनी नौकरी करता हूँ, कोई पैसा नहीं लेता हूँ, किसी से फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता हूँ, और जो मेरे से असिस्टेंस हो सकती है मैं प्रोवाइड करता हूँ। इसके साथ साथ मैंने प्रोवाइड की हैं गोजरी की लगभग 150 किताबें PDF सूरत में जो नेट पे अवेलेबल हैं, कोई भी आदमी पढ़ सकता है, जिनको कभी भी हमें मुझे कहे कि लिंक भेज दो तो मैं उसको लिंक भेज सकता हूँ, जिसमें हमारे शायरों की किताबें हैं, हमारी गुजरी हिस्ट्री पे किताबें हैं, हमारे कल्चर पे किताबें हैं, और एक लंबी सीरीज़ है किताबों की जो कि मैंने खुद एडिट की हैं और जो मैंने मुहैया रखी हैं इंटरनेट पे PDF फॉर्म में, कोई भी आदमी देख सकता है, पढ़ सकता है उनको। एक पॉइंट पे इंसान को फैसला करना होता है कि वो किस दिशा में जाएगा, उसका तरफ क्या होगी, वो किस तरफ बढ़ेगा, या वो बढ़ेगा ही नहीं, या वो एक आम आदमी की तरह जिएगा। तो एक पॉइंट पे आके मुझे ये डिसाइड करना था, क्या मुझे उर्दू में, क्योंकि मेरी PhD उर्दू में है, तो क्या मुझे उर्दू में तनकीद में जाना है, मुझे शायरी करनी है, मुझे क्या उर्दू में लिखना है, तो या मुझे गुजरी में लिखना है या गुजरों पे, कोई ना कोई एक सब्जेक्ट मुझे चुनना था जिसपे मुझे आगे बढ़ना था। हमारे एक बहुत ही इज्जत वाले हमारी कबीले में जनाब मसूद चौधरी, जो कि वाइस चांसलर रहे हैं बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के पैटर्न ने, तो उन्होंने ऐसे ही बातचीत में कहा कि हमें बहुत पुरानी बात है, उन्होंने मुझे नहीं कहा, उन्होंने ऐसे जनरल कहा कि एक आदमी होना चाहिए आपके पास जो आपके हर चीज़ को जानता हो, क्योंकि लोग सवाल पूछते हैं तो हमारे पास जवाब नहीं होता है,
तो कोई एक ऐसा आदमी हमें ज़रूर पैदा करना पड़ेगा जो कि हर चीज़ के बारे में, गुजरों के बारे में जानकारी रखता हो, हिस्ट्री से लेके आज दिन तक के, इसका ये कहाँ से आए, कहाँ हैं, किस किस जगह में, किस रियासत में, कहाँ किस तादाद में, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। तो मान लो कि वो चीज़ मेरे कहीं सबकॉन्शियस में थी, तो जब मैं इस फैसले पे पहुंचा कि मुझे शायर बनना है लियाकत जाफरी साहब की तरह, या मुझे बनना है अपनी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव, या मुझे कोई लीडरी करनी है, मुझे कुछ घर बनाना है, ये ऐसी चीज़ों पर नहीं, मैं एक ही चीज़ पे फोकस हो गया, वो है लफ्ज़ गुजर, उसकी आइडेंटिटी, शनाख्त, उसके साथ जुड़ी हर चीज़ के साथ मैं जुड़ गया। और बज़ाहिर ये एक छोटी सा आपको फील्ड लगेगा, लेकिन जब आप इसके अंदर जाएंगे तो हज़ारों चीज़ें इसके साथ जुड़ती हुई नज़र आएंगी, बहुत सारा, मतलब जितना आप अंदर जाएंगे तो ये खुलती जाएगी आइडेंटिटी, और मुझ पे ये आइडेंटिटी खुली, और मैंने इसके लिए काम किया, इसी के लिए मैं आपसे दुआएं चाहता हूँ।